आचार्य प्रमोद कृष्णम ये वो नाम है जो किसी की जुबान पर आता है तो वह उन्हें बाद में धर्मगुरु पहले कांग्रेस नेता कहकर ही बुलाता है। लेकिन आज वही प्रमोद कृष्णम कांग्रेस की विचारधारा पार्टी के कुछ नेताओं की सोच से नाराज हैं। वहीं प्रमोद कृष्णम आज राम मंदिर और राम के साथ साथ सनातन पर बयानबाजी करने वाले अपने ही पार्टी के नेताओं से खफा हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को राम मंदिर से नहीं प्रभु श्री राम से नफरत है। देखिए, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो, सारी दुनिया जानती है, राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल के राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता है कि अब इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। नहीं नहीं, पार्टी का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा जाए। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, जिनकी हर एक प्रार्थना की सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी कैसे हो सकती है? और अगर कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है तो वो महात्मा गांधी की फॉलोअर नहीं हो सकती है। लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के कुछ नेताओं को पानी पी पी कर कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। अगले साल देश में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। लेकिन पिछले चुनाव तक कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में रहने वाले प्रमोद कृष्णम इस बार चुनाव से बहुत दूर हैं। इस पर सवाल पूछे जाने पर जवाब दे रहे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं के समर्थन की जरूरत ना हो, हिंदू धर्म गुरुओं की जरूरत ना हो। नहीं, नाराजगी का तो कोई कारण नहीं है। हो सकता है उन्हें हिंदुओं के समर्थन की जरूरत ना हो, तो किसी हिंदू धर्म गुरु को स्टार प्रचारक बनाने का जो मकसद होता है, मोटिव होता है, उन्हें उसमें कुछ कमी नज़र आ रही हो, तो ये तो पार्टी का फैसला है। हिंदू धर्म गुरुओं को अपमान करना चाहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्म गुरु पार्टी में रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया हो और झुकाव सत्तारूढ़ बीजेपी की तरफ हो गया हो? तो इसका भी प्रमोद कृष्णम के पास जवाब है और पूछ रहे हैं कि क्या भारत की बात करना, सनातन की बात करना, वंदे मातरम बोलना, सच्चाई की बात करना भाजपा ज्वाइन करने जैसा है? भारत की बात करना, सनातन की बात करना, वंदे मातरम बोलना, सच्चाई की बात करना भाजपा ज्वाइन करने जैसा है? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो सच नहीं बोल सकते क्या? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो सनातन की बात नहीं कर सकते क्या? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो क्या भारत माता की बात नहीं कर सकते क्या?
तो सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, सवाल है कि भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, इसका सवाल है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि राम भारत की सभ्यता और संस्कृति में रमे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि न राम के बिना, न सनातन के बिना भारत की कल्पना की जा सकती है और न ही भारत के लोकतंत्र की। इतना ही नहीं, प्रमोद कृष्णम सनातन पर अनर्गल बयानबाजी करने वालों को उनकी बेवकूफी और उनकी कुटिलता बता रहे हैं। राम भारत की संस्कृति और सभ्यता में रमे हुए हैं। राम के बिना, सनातन के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है, न भारतीय लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए भारत के संविधान पर श्री राम दरबार के चित्र अंकित हैं। भारत और सनातन अलग नहीं है। ये कुछ लोगों की बेवकूफी है या उनकी कुटिलता जो भारत को और सनातन को अलग करके देखते हैं। जो राम का नहीं है, जो सनातन का नहीं है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस के इस पुराने और कद्दावर नेता के निशाने पर कांग्रेस का वो कौन सा नेता है जिसे आचार्य प्रमोद कृष्णम लताड़ रहे हैं। ये सवाल पूछे जाने पर भी वो नेता का नाम तो नहीं बता रहे, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि जो पार्टी चला रहे हैं। राजनीति में जो भाषा होती है वो सांकेतिक होती है।